Hey, what is up YouTube? I am Faizan and welcome back to my YouTube channel. Okay, so आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि Android मोबाइल से ट्रांजिशन वीडियो कैसे बना सकते हैं TikTok के लिए. तो बहुत आसान है एंड आज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है ये Realme 5 Pro. मैं यूजली इसी मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ एंड जो आप वैसे मुझे जानते हैं अच्छी बात है एंड जो मुझे नहीं जानते मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम जाके चेक कर सकते हो. ये मेरा अकाउंट है, अराउंड मेरे 3.5 लाख कुछ फॉलोवर्स हैं एंड मैं ज़्यादातर ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाता हूँ एंड एक दो मैं वीडियोज़ दिखाता हूँ. पहले तुम्हें ये वाली देख लो. चैलेंज फॉर ट्रांजिशनर्स, make your transitions on this beat. ओके, सो मैं इस तरीके की ट्रांजिशन वीडियो बनाता हूँ. बट आज हम बहुत एक आसान ट्रांजिशन वीडियो बनाने वाले हैं. एक नॉर्मल बुक लेंगे एंड उसको बंद करेंगे एंड ट्रांजिशन हो जाएगी. लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे हमने ये बुक ली और नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे एंड ट्रांजिशन हो जाएगी, जो कि बहुत सिंपल है. एंड जो हम साउंड यूज़ करने वाले हैं वो ये है एंड इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो इस पर एक और बनाते हैं जो कि मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे करते हैं एंड कैसे नहीं. ये साउंड है, हम जैसे बीट आएगी हम एकदम से चेंज कर देंगे. ना नॉर्मल अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फर्स्ट पार्ट हमें स्लो मोशन में रिकॉर्ड नहीं करना एंड सेकंड पार्ट हमें स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. वो फर्स्ट पार्ट शूट करते हैं जो कि हमें टिकटॉक के ऐप में नहीं करना, हमें नॉर्मल मोबाइल के ऐप में करना है विदाउट स्लो मो. एंड जो हम सेकंड पार्ट शूट करेंगे वो स्लो मोशन में शूट करेंगे. साउंड जो है हम इस मोबाइल में तो चला नहीं सकते, हमें बीट भी देखनी है कब आ रही है कब नहीं आ रही, तो हम इस मोबाइल का यूज़ करेंगे, दूसरे मोबाइल का. इसमें मैंने अपना साउंड चला दिया, मेरा वो साउंड, तो इसके अंदर साउंड चलेगा एंड इसमें रिकॉर्ड होगा. तो दोनों अलग अलग चीज़ है. ये मैंने प्ले कर दी, अपने किसी भाई वगैरह से पूछ लो सेंटर में हो या नहीं. तो हमारा पार्ट वन शूट हो गया, हम सेकंड पार्ट शूट करते हैं. सेकंड पार्ट हमें स्लो मोशन में शूट करना है. क्लियर एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज यार बहुत मेहनत लगती है. तो हम क्या करते हैं, अब सेकंड पार्ट शूट करते हैं जल्दी से. तो हमारा अब सेकंड पार्ट भी शूट हो चुका है. मैं तुम्हें मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि एडिटिंग कैसे करते हैं एंड कैसे नहीं. तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं काइन मास्टर ऐप, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, एंड इसे तुम प्ले स्टोर पे से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो. तो अब हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं. हमेशा 9:16 का रेशो चूज़ करना है, बिकॉज टिकटॉक पे ये रेशो चलता है. एंड हम मीडिया अपलोड कर लेते हैं. तो मेरी एक ये वाली वीडियो है एंड एक ये वीडियो है, इन दोनों को हमने ले लिया. तो अब हमारे पे पहले से सही तरीके से पार्ट वन पहले लगा लेता हूँ. ये पार्ट वन है एंड ये पार्ट टू है. एंड हमें अब नीचे साउंड भी चाहिए, बिकॉज साउंड के बिना तो होगा नहीं. तो इस साउंड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, तो उसे भी डाल लेते हैं. तो हमने ये भी इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, बट हमें इसकी वीडियो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी ऑडियो चाहिए. हमें सेलेक्ट करना है एंड सबसे नीचे जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके वीडियो डिलीट कर देनी है. तो हमारे पास ये साउंड भी आ गई. तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इन वीडियो पे हमें जितना जितना पार्ट चाहिए वो कट कर लेते हैं. अब इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हुआ हुआ है. अब इस पर कैंची वाले टूल पे क्लिक कर देंगे और फिर इसे कर देंगे स्प्लिट. अब ये वाला पार्ट जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये बिना फालतू का पार्ट है हमें चाहिए नहीं. तो इसे पकड़ो, सेलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो. अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट पर जाते हैं. ये वाला पार्ट हमें चाहिए कहाँ से, ये यहाँ से. अब इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, दोबारा इस पर जाएंगे एंड स्प्लिट पे कर देंगे. अब ये वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को जो ख़राब है इसे हम डिलीट कर देंगे. तो अब जैसे कि तुम देख सकते हो हमारी कुछ ये ट्रांजिशन हुई है. ओके, सो इतना इजी होता है. एंड हमें नॉर्मल अब क्या करना है, हमारी ट्रांजिशन बन गई है. अब हमें इस पर जाना है शेयर पे एंड यहाँ पर हमें 1080 पे सेलेक्ट करना है एंड इसको 30 पे अब एक्सपोर्ट क्लिक कर देना एंड इसका आउटपुट तुम मेरे टिकटॉक पे जाके देख सकते हो. ओके, सो जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे ट्रांजिशन वीडियोस बना सकते हैं. एंड अगर तुम्हें और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए एंड मेरी लाइफ के बारे में जानना है एंड मैं इस चैनल पर व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं करते हो तो जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना. तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना. आई लव यू ऑल.